केयर न्यूज के लिए मैं हूं नासिर महमूद शेख। जापान का एक और बड़ा शहर है योकोहामा। योकोहामा के रेलवे स्टेशन पर हम अभी टोक्यो से ट्रैवलिंग करते हुए आए हैं और यहाँ पर आप देखें कि कैसे मुनज़्ज़म अंदाज से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कतार में खड़े हैं, ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में मसरूफ़ हैं। ये इस कौम का खास है कि इनमें से किसी ने किसी से बात नहीं करनी, सर झुका कर लोगों से मिलना है, अदब एहतराम को मलूज़ खातिर रखना है। और ये सब लोग इस वक्त अपनी अपनी धुन में मगन हैं, सब अपने मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ हैं। कोई बंदा आपको शोर शराबा करता नज़र नहीं आएगा। योकोहामा का शुमार बड़े सेंट्रल एग्ज़िट में होता है, यहाँ से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रेनें आती हैं और लोग विज़िट करते हैं। हर एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं और लेकिन सभी कतार में हैं, अपने काम से काम रखा हुआ है, ट्रेन के मुंतज़र हैं। आमद हुई है और बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ पहले आने वालों का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो सब लोग नीचे उतर आएंगे, उसके बाद ये लोग ट्रेन में एंटर होंगे। एक मुनज़्ज़म कौम के शानदार मनाज़िर, 90-80 साल से ज़्यादा की बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं लेकिन खुद चल रही हैं, खुद आ जा रही हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं है, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को रास्ता देना, ये इस कौम का वस्फ है, जापानी कौम का।